एंड दिस क्वेश्चन नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, ये सीरीज ऑफ रियल नंबर का बेसिकली क्वेश्चन है। ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो यहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस ए एन दिया हुआ है, अगर ये कन्वर्जेंट है टू अल्फा, ये दे दे, या आपको ये दे दे कि ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, या आपको ये दे दे कि ए एन हैज अ लिमिट पॉइंट अल्फा, तो यहां भी हम कंक्लूजन लिख सकते हैं बाउंडेड है तो हैज अ लिमिट पॉइंट अल्फा। ठीक है, तो या तो सीक्वेंस खुद कन्वर्ज कर जाए या सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए तो उसके पास कोई अल्फा लिमिट पॉइंट मिलेगा, या सीक्वेंस के पास डायरेक्टली लिमिट पॉइंट मिल जाए। तो इन लास्ट की दो सिचुएशन में मैं ये लिख सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट ए एन के विच कन्वर्जेस टू अल्फा। अगर सीक्वेंस खुद अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है तो काम चल जाएगा, अगर सीक्वेंस खुद अल्फा पे कन्वर्ज नहीं कर रहा तो ए एन के कोई ना कोई एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कन्वर्ज करेगा, प्रोवाइडेड या तो इसके पास लिमिट पॉइंट हो या ये बाउंडेड हो जाए। जब ए एन के अल्फा पे कन्वर्ज करेगा तो मैं मोड ए एन के माइनस अल्फा की बात करूंगा, तो ये कहां कन्वर्ज कर जाएगा, जीरो पे। मान लो ये बी एन सीक्वेंस है, और जब भी कोई भी सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करता है तो आप इंप्लाई करेंगे कि देयर एग्जिस्ट बी एम के, एक हमेशा सब सीक्वेंस मिलेगा बी एम के, वो क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ बी एन, सच दैट बी एम के को मैं क्या कर सकता हूं, लेस देन वन अपॉन एम के टू द पावर सम बीटा, फोर सम बीटा ग्रेटर देन वन। जब भी कोई भी सीक्वेंस जीरो पे जाएगा तो पहला आपका कंक्लूजन क्या होगा, उसके पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा, उस सब सीक्वेंस की जो टर्म है वो मैं इससे लेस कर सकता हूं। और ये अगर मैं पी सीरीज से कंपेयर करता हूं तो ये क्या है, वन अपॉन एन टू द पावर पी टाइप का है और पी की वैल्यू वन है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इंप्लाइज क्या जाएगा, समीशन बी एम के ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, दैट इज समीशन मोड ऑफ, इसका कोई एक सब सीक्वेंस लिख रहा हूं उसको नाम दे देता हूं ए एम के माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये थ्योरी यूज हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इस चीज को यूज कैसे करना है उस पे आ रहा हूं। तो आई थिंक ये आपने राइट डाउन कर ली होगी, अब इस इंफॉर्मेशन का इसी क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो ए एन आपको रियल सीक्वेंस दिया हुआ है और उसके बाद वो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि दिस सीरीज समीशन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन माइनस वन टू द पावर एन ए एन अपॉन वन प्लस मोड ए एन, ये कन्वर्जेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं और तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं, चौथे के बारे में पता नहीं होता। तो यहां डिस्कार्ड तो कर दोगे लेकिन फोर्थ ऑप्शन, अगर इसी को मैंने मल्टीपल चॉइस बना दिया और ऑप्शन चेंज कर दिए तो आप स्टक कर जाओगे, यहां प्रॉब्लम है। तो डिस्कार्ड कर देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रूफ करना भी आना चाहिए आपको। तो जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है उसमें हम ऑप्शन प्रूफ करेंगे। यहां ये कह रहा है कि कन्वर्जेंट है, इसके बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मोड ऑफ ए एन अपॉन वन प्लस मोड ए एन की बात करूंगा तो ये लेस देन वन कर सकता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर है, तो ये मेरे पास बी एन सीक्वेंस मान सकता हूं। तो ये जो बी एन है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, इंप्लाइज बी एन के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा बी एन के, तो किसी ना किसी अल्फा पे या बी पे कन्वर्ट करेगा, बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट और बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो वो किसी ना किसी बी पे कन्वर्ट करेगा, तो इंप्लाइज बी एन के माइनस बी जो होगा वो कहां कन्वर्ट करेगा, जीरो पे, तो इसके पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो इंप्लाइज कर सकता हूं समीशन मोड ऑफ सम बी एम के माइनस बी, ये क्या हो जाएगी सीरीज, बी एम के माइनस बी लिखूंगा, यानी समीशन मोड ऑफ ए एम के अपॉन वन प्लस मोड ऑफ ए एम के माइनस बी, ये सीरीज गारंटी है कि कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इस लॉजिक से जो आपका पहला ऑप्शन है इस पूरी सीरीज के बारे में कन्वर्जेंट की कोई गारंटी नहीं, उसका काउंटर एग्जांपल अभी लिखेंगे हम। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि वो सीरीज का सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, इसके कन्वर्जेंट की कोई गारंटी नहीं।
नहीं है, इसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे वो कन्वर्ज करेगी, क्योंकि इसको मुझे जीरो पे ले जाना होगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये सीक्वेंस बाउंडेड हुआ, इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा, लेकिन उसके जीरो पे जाने की कोई गारंटी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन की अभी कोई गारंटी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि देयर इज अ नंबर बी सच दैट बी माइनस ए एन अपॉन ए, वो सब सीक्वेंस नहीं ले रहा, पूरा सीरीज ले रहा है, वो कह रहा है कि कन्वर्जेंट होगा, उसकी गारंटी नहीं है। डी ऑप्शन जो मैंने यहां प्रूव करा, वो कह रहा है कि देयर इज अ नंबर बी एंड अ सब सीक्वेंस ए एम के सच दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट माइनस बी ऑफ दिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमने प्रूव करा है। अब ए को अगर डिस्कार्ड करना है तो ए एन इक्वल टू एन, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, समीशन माइनस वन टू दी पावर एन एन अपॉन वन प्लस एन, इसका एन एस टर्म कन्वर्ज ही नहीं कर रहा। अगर बी ऑप्शन की बात करूंगा तो बी ऑप्शन में ये क्या बन जाएगा, समीशन माइनस वन टू दी पावर एन के एन के अपॉन वन प्लस एन के, ये कन्वर्जेंट नहीं हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मैंने यहां प्रूफ कर दिया। तो यहां क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि आपने क्वेश्चन में लर्निंग क्या करा। तो आपके पास इंपॉर्टेंट कांसेप्ट क्या है, अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट मिल गया, अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट मिल गया या सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, तो मैं उसका एक सब सीक्वेंस बना सकता हूं। सब सीक्वेंस में से कुछ टर्म सबट्रैक्ट करूंगा, कुछ वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, उसके रिस्पेक्ट में जो सीरीज मिलेगी वो गारंटी है कि कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ डी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है, बाकी सारे फेल कर जाएंगे। ठीक है।